अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मैं सले मैं आज आपको सिखाऊंगी कि चने चाट कैसे बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया चाट बनता है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही चटपटा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें ये चने चाहिए होंगे और चने हम जो है कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखेंगे। अब जो है तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें छोले भिगोए हुए, तो इसको जो है आप पहले जो है 2-3 पानी में धो के वॉश करके अच्छे से धो के तो फिर आप चूल्हे पे चढ़ाइएगा। मैंने धो के तो दोबारा पानी डाल लिया है, तो उससे पहले आपने 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। तो आप अगर कुकर में पकाना चाह रहे हैं तो कुकर में भी पका सकते हैं। अब जो है कम से कम जो है 3 घंटे के लिए हम जो है इसको कवर करके रखेंगे, जब तक ये छोले अच्छे से पक ना जाए। अब देखते हैं कि हमारे चने जो है पके हैं कि नहीं। देखें ये काफ़ी टाइम हो गया पकते हुए, तो देखें ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अब जब तक ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो थोड़ी सी हम इमली रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इमली जो मैंने पानी में भिगो दी थी, तो सॉरी आपको मैंने दिखाया नहीं है, तो ये थोड़े से पानी में आपने डाल के तो घंटा आधा घंटा आपने रख लेनी है। इस तरीके से आपने अच्छे से जो है ये घोल लेनी है। देखें अब ये देखें अच्छे से निकाल के तो ये निचोड़ लेनी है, सारा निकाल लेना। चने हमारे ठंडे हो चुके हैं तो ये रेडी है। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर ये प्याज कटी हुई बारीक ये शामिल करेंगे, और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ टमाटर ये भी हम शामिल करेंगे, और उसके बाद ये थोड़ा सा हरा धनिया और हरे पुदीने के पत्ते ये भी हम शामिल करेंगे। ये भी आप डालिएगा चाट में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये इमली ये भी आपने इस तरीके से ऐड कर देनी है, और उसके बाद ये चाट मसाला 1 चम्मच ये भी आपने डालना है, और थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे। नमक जो है मैंने पहले भी शामिल करा है, तो आप इसको मिक्स करेंगे। और कुछ चीज़ें हम एंड में भी डालेंगे, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया वाला चाट बनता है, बहुत ही मज़े का ये। और ख़ास तौर पर ये धनिया और पुदीना लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। अब ये थोड़ा सा डिश में डाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है हमारा ये चने का चाट। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप अगर हरी मिर्चें खाते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद ये थोड़ी सी लेस ये हम शामिल करेंगे। और अब जो है थोड़ी सी हम ये लेस शामिल करेंगे एंड में। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।